दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रेंड्स, कहते हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 इन वन ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। देखिएगा, जब भी मैं हाफ ईयरली और ईयरली की जो टेबल बनती है, मैंने वहाँ पे भी आप लोगों को बताया है। देखिए, आपके पास रेट और टाइम कैसे कैसे मैटर करेंगे, या तो ये ईयरली बेसिस पे हो सकता है, या फिर ये हाफ ईयरली हो सकता है, या फिर ये क्वार्टर ईयरली आपका हो सकता है, राइट। तीन वे से आपकी ये चीज़ें आ सकती हैं। और लेट से कि यहाँ पे मैं रेट ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं टाइम ले रहा हूँ। अगर टाइम जो है ईयरली बेसिस पे है तो टाइम का टी ही लेना है और ये आर परसेंट ही मैटर करेगा। अगर हाफ ईयरली है, टाइम टू टी बन जाएगा और आर डिवाइड बाई टू हो जाएगा। अगर ये क्वार्टरली है तो ये फोर टाइम हो जाता है और आर डिवाइड बाई फोर आ जाता है। ठीक है, दिस इज ए कन्वर्जन टेबल, दिस इज कन्वर्जन टेबल फॉर जब भी आपका टाइम हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली जैसे भी गिवन है, आप लोग उसको बना सकते हो। चलो जी, देखिएगा, कहता है 1000, अब वन ईयर हाफ ईयरली गिवन है, दैट मीन्स टाइम तो यहाँ पे टू हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5/2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। नाउ आपने अमाउंट बतानी है ऑफ 1000 की, तो ठीक है बच्चों, ट्री मेथड यूज करने की ट्राई करते हैं। 1000 टू ईयर्स के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, यहाँ पे आपका लगेगा 5/2%, यहाँ पे भी 5/2%। ठीक है जी, अब देखिए 5/2% ऑफ दिस थिंग, 5/2, 1000 का 5/2% अगर मैं निकालता हूँ तो इट विल बी 0.5 और ये आ जाएगा 25 रुपीज़। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25 रहता है और इसको हम बोलते हैं 50 रुपीज़ आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है जो हर साल सेम रहता है। नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर का कंपाउंड और सिंपल सेम होता है वो एज इट इज। सेकेंड ईयर में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, दैट मीन्स वो 25 तो होगा ही होगा, प्लस फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा 5/2%, राइट। ठीक है जी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 25 का 5/2% जो है यहाँ पे निकाल लेता हूँ, तो 25 से ये 4 पे, दैट मीन्स 5/8 जो है मेरा इंटरेस्ट बनेगा, ये बनेगा 5/8, राइट। तो इन शॉर्ट यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया 5/8 रुपीज। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों यहाँ पे हुआ 50, 5/8 रुपीज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे हो गया। ठीक है जी, और उसने मुझसे अप्रोक्स पूछा है, देखिएगा अप्रोक्स गिवन है, जो कि अप्रोक्स किसके है, 1050 के है, क्योंकि बच्चों जो अमाउंट होगी, अमाउंट इक्वल टू होगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल टू 1000 प्लस 55/8। तो मेरा एग्जैक्ट आंसर जो होना चाहिए वो मेरा एग्जैक्ट आंसर ये वाला बनता है जो कि जस्ट क्लोज्ड है ऑप्शन नंबर फर्स्ट के।